दोस्तों स्वागत है आपका संडे Q&A कमेंट सेशन में। मैंने जो सैटरडे को कम्युनिटी पोस्ट डाला था उसमें आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे थे, जिसमें से जो सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे हटकर और जो सबसे नॉलेजेबल क्वेश्चन थे उसका आज के सेशन में मैं जवाब देने वाला हूं, जिससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा शॉर्ट्स के बारे में, लॉन्ग के बारे में, सारी जानकारी आपको उन क्वेश्चंस के माध्यम से मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का संडे Q&A कमेंट सेशन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है जुल्फिकार अली ने, इन्होंने पूछा है सर स्टोरी फैक्ट के लिए अच्छे अच्छे स्टोरीज कहां से ढूंढें। तो भाई आप हिंदी स्टोरी करके आप गूगल पर डाल सकते हैं, बहुत सारी स्टोरीज मिल जाती हैं। अब आपको लग रहा हो कि काफी बड़ी बड़ी स्टोरी हैं, तो हर एक स्टोरी का जो मेन पार्ट होता है वो काफी छोटा होता है और आपको उसी मेन पार्ट के ऊपर वीडियो बनाना है तो आराम से आप एक मिनट में वो स्टोरी अपने तरफ से नरेट कर सकते हैं। या फिर आप बहुत सारे ऐसे देखते हैं पहली टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस से भी आप स्टोरी बना सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है कि हाँ पहली में ऐसा ऐसा क्या होगा कि जिसका ऐसा हो, दो कान हो, पांच पूछ हो, इस तरीके से होती है पहली, तो उसका क्या जवाब होगा। तो आप उसमें एक दोस्त को ले आ सकते हैं, एक टीचर और स्टूडेंट को ले आ सकते हैं और वही पहली को क्वेश्चन में बदलकर उसका आंसर पूछ सकते हैं और उसके ऊपर इनाम रख सकते हैं। इस तरीके से आप स्टोरी खुद से क्रिएट कर सकते हैं, चीजें आप समझिएगा। उस तरीके से आप स्टोरी अगर आप क्रिएट करेंगे काफी अच्छा चलता है। मेरे भी चैनल पर जो मैंने फैक्ट पर अपना डाला था स्टोरी वीडियो, वो स्टोरी मैंने खुद से बनाई थी और काफी अच्छा चला, मिलियंस में व्यूज हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है काइजोर फैक्ट ने, इन्होंने पूछा है जब हम कोई शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं और उसमें अपना ओरिजिनल ऑडियो यूज करते हैं तो उस ऑडियो को कोई और चैनल भी अपने वीडियो में यूज करता है और उस पर जो व्यूज आता है वो यूट्यूब स्टूडियो में रिमिक्स व्यूज में काउंट होता है, तो क्या ये रिमिक्स व्यूज हमारे चैनल के टोटल व्यूज में काउंट होता है बिकॉज वो किसी और के वीडियो के व्यूज आते हैं बट ऑडियो हमारा है। तो हाँ आपकी बात सही है, जो आपके ऑडियो यूज करता है वो रिमिक्स वाले व्यूज में काउंट होता है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि ये हमारे टोटल व्यूज में काउंट होगा तो जी नहीं, ये आपके चैनल के जो टोटल व्यूज होते हैं वो उसमें काउंट नहीं होते हैं। आपके चैनल के टोटल व्यूज में सिर्फ आपके वीडियो पर जो व्यूज आए रहते हैं वही काउंट होते हैं। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कृष्णा यादव ने, इन्होंने पूछा है सर अगर हम शॉर्ट्स फंड आने से पहले ही एडसेंस बना ले तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि जब आपका शॉर्ट फंड आ जाता है तभी आप क्रिएट करें, क्योंकि अगर आपको कुछ पता नहीं है आप गूगल एडसेंस बना लेंगे तो कोई भी एक गलती करेंगे तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो इंडिविजुअल और अपना मतलब बिजनेस अकाउंट में होता है, जो कि ज्यादातर लोग बिजनेस सेलेक्ट कर लेते हैं और जिस वजह से उनके शॉर्ट फंड आने पर भी उनको नहीं मिल पाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा जब आपके शॉर्ट फंड आ जाते हैं इसके बाद ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करें, गूगल एडसेंस सबसे बेस्ट होता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट पूछा है फैक्टो नरेंद्र ने, इन्होंने पूछा है सर शॉर्ट्स फंड क्लेम करने के बाद बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो भाई जब आप शॉर्ट फंड क्लेम कर लेते हैं तो आपके गूगल एडसेंस में जाता है, गूगल एडसेंस में तब ऐड होता है जैसे आप इस महीने का शॉर्ट फंड क्लेम किए तो अगले महीने के 11 से 12 तारीख तक आ जाता है आपके गूगल एडसेंस में। और जब गूगल एडसेंस में आपको दिखने लगेगा आपका शॉर्ट फंड का पैसा इतने डॉलर, तब आपको ये ऑप्शन मिलता है गूगल एडसेंस में कि आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल वहां पर ऐड करिए। तब आप बैंक अकाउंट डिटेल अपने गूगल एडसेंस में ऐड करते हैं तो 21 तारीख को वहां से पैसा भेज दिया जाता है, जो कि आपको एक हफ्ते के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो आई होप आपको अपना जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है लक्ष्य एजुकेशन ने, इन्होंने पूछा है सर मेरा वॉच टाइम मोनेटाइजेशन टैब में ऐड नहीं हो रहा है, मैंने यूट्यूब को मेल भी कर दिया है लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, प्लीज सर हेल्प मी। और दूसरा इन्होंने पूछा है मैंने कम्युनिटी टैब के लिए भी मेल किया था अभी तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। और इसके बाद इन्होंने लिखा है बिग फैन सर लव यू प्लीज माय पिक माय क्वेश्चन, लव यू टू ब्रो। तो मैं आपको बता दूं कि आपका पहला जो क्वेश्चन है कि आपका मोनेटाइजेशन टैब में ऐड नहीं हो रहा है वॉच टाइम, तो भैया जो अभी आप शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं वॉच टाइम आपका जो यूट्यूब स्टूडियो है उसमें शो होता है यूट्यूब स्टूडियो में कि आप कितने घंटे हो चुके हैं, आपका शॉर्ट्स का भी वॉच टाइम, लेकिन मेन वॉच टाइम वो होता है जो आप क्रोम में YT स्टूडियो खोलते हैं उसके अंदर मोनेटाइजेशन के अंदर आपका वॉच टाइम जो दिखता है वही मेन होता है। तो इसमें आपको बहुत से लोगों को होता है कंफ्यूजन कि भैया इसमें YT स्टूडियो के मोबाइल वाले में दिख रहा है इतना वॉच टाइम शॉर्ट्स वीडियो का तो उसमें क्यों नहीं दिख रहा है, तो वो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपका जो ब्राउज फीचर से व्यू आता है शॉर्ट्स में उसी का वॉच टाइम ही मेन होता है, जो कि ऐड होता है आपके क्रोम वाले मोनेटाइजेशन सेक्शन में, वही आपका रियल वॉच टाइम होता है।
तो दूसरा जो आपने क्वेश्चन पूछा है कम्युनिटी टैब आपको नहीं मिला है तो टेंशन मत लीजिए, थोड़ा लेट हो जाता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन बीत जाते हैं, आपको मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो आप सेंड फीडबैक वाले में जाकर जो आपके चैनल के अंदर होता है वहां पर आप लिख सकते हैं, आपको कम्युनिटी टैब मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजा चौधरी ने, इन्होंने पूछा है सर मेरा एक कॉपीराइट स्ट्राइक के बाद व्यूज नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों सर? तो भैया मैं आपको बता दूं, आपको जो कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह मिल जाती है तो आपके चैनल के व्यूज डाउन चले जाते हैं, रीच आपकी डाउन कर दी जाती है, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अब रेगुलर काम करने की जरूरत है, लगभग एक महीने बाद आपके व्यूज धीरे धीरे सुधरने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये आप समझ लीजिए एक प्रकार का यूट्यूब आपको पनिशमेंट देता है जिस वजह से आपके रीच और व्यूज डाउन कर देता है। तो आप लगातार काम करिए, एक महीने में आपके व्यूज सही हो जाएंगे। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है MD अरमान ने, इन्होंने पूछा है सर मुझे $230 यूट्यूब शॉर्ट फंड मिला पर मैं उसे क्लेम किया तो मेरे गूगल एडसेंस में प्रॉब्लम आ गया और फंड एक्सपायर हो गया, अब आगे क्या होगा, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, वेरी सीरियस मैटर। तो भाई मैं आपको बता दूं, आपके जो $230 के शॉर्ट फंड मिला था आपने गूगल एडसेंस जब क्रिएट किया तो गूगल एडसेंस में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके 24 घंटे में शो हो जाता है कि इस वजह से प्रॉब्लम आई है, आप अपना प्रॉब्लम को फिक्स करिए। तो हो सकता है आपने एडसेंस अकाउंट बनाकर छोड़ दिया और आपने वो देखा नहीं कि अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, तभी आपके 25 तारीख मतलब क्रॉस कर गए, तभी आपने वो क्लेम नहीं कर पाया, तभी वो एक्सपायर हुआ। तो 24 घंटे में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसको सही कर लीजिए, क्योंकि वो दिख जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम 24 नहीं तो 48 घंटे में आपका दिख जाता है, वो प्रॉब्लम आप सही कर देते, गूगल एडसेंस अकाउंट अगर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता तो आपका क्लेम हो जाता। तो अगर अभी क्लेम नहीं हुआ है, एक्सपायर हो चुका है, तो भैया कुछ भी नहीं हो सकता, वो आपका $230 जो था वो बेकार चला गया है, क्योंकि 25 के बाद अगर वो क्लेम नहीं हुआ है तो फिर वो आपको पैसा नहीं मिलता है, वो YouTube के पास ही रह जाता है। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है AK राजपूत ने, इन्होंने पूछा है माई क्वेश्चन, इनके दो तीन क्वेश्चन हैं। तो पहला है क्या शॉर्ट्स चैनल 2023 में मोनेटाइज होंगे 100% एन इन्फॉर्मेशन 100% मोनेटाइज होंगे, ये दिसंबर तक शॉर्ट फंड मिलेगा, जस्ट उसके बाद ही मोनेटाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो शॉर्ट्स से आपके व्यूज आएंगे शॉर्ट्स फीड से उसके भी आपको पैसे मिलेंगे। YouTube ने यह ऑफिशियल अपडेट निकाल चुका है, काफी पहले मैंने बता भी दिया है आपको, तो जनवरी से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है सिल्वर प्ले बटन कितने दिनों में घर में पहुंच जाता है, मैंने 12 दिन पहले अप्लाई किया था लेकिन अभी तक कोई मेल मैसेज नहीं आया। तो भाई वो आपके आ जाता है, कभी कभी अगर आपका एड्रेस कहीं दूर इलाके में है तो लगभग 20 दिन लग जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ जाएगा, जब आएगा तो आपको मेल आ जाता है शिपमेंट कंपनी के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है पहले मुझे शॉर्ट फंड कम व्यूज पर ज्यादा मिला था बट अब ज्यादा व्यूज पर कम मिला जुलाई का, ऐसा क्यों? तो भाई वो डिपेंड करता है आपके वीडियो की लेंथ कितनी है, आपके वीडियो की कोई ज़्यादा लेंथ वाली वीडियो वायरल चली गई होगी तो उसमें आपको कम व्यूज़ पर ज़्यादा शॉर्ट फंड मिल चुका होगा, और आपका कोई अब मतलब कम व्यूज़ वाली वीडियो अब वायरल चली गई होगी तो आपको फिर अब ज़्यादा व्यूज़ पर कम शॉर्ट फंड मिलेगा। जब आपकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा होती है तो आपके वीडियो के व्यूज पर जितने आते हैं उससे ज्यादा शॉर्ट फंड मिलता है, और अगर आपकी वीडियो की लेंथ कम है, मैंने इसके पहले वीडियो बनाकर बताया था, तो भैया ज्यादा व्यूज पर भी आपको कम शॉर्ट फंड मिलता है। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है महेश 555 ने, इन्होंने पूछा है भाई क्या रियूज कॉन्टेंट पर भी शॉर्ट फंड मिलता है, प्लीज आंसर। जी हाँ मिलता है, रियूज कॉन्टेंट आपको आता है जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो भैया शॉर्ट फंड के लिए कोई मोनेटाइजेशन का अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ना मोनेटाइज होना जरूरी है, शॉर्ट फंड सिर्फ और सिर्फ आपके शॉर्ट्स वीडियो के व्यूज पर मिलते हैं, चाहे वो वीडियो किसी का भी हो, दूसरे का हो, किसी का भी हो वीडियो, अगर वो आपको स्ट्राइक वगैरह नहीं दिया है तो भैया आपके अगर व्यूज आ गए अच्छे खासे तो शॉर्ट फंड मिलेगा, यही रियलिटी है। बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पर गुमराह कर रहे हैं कि दूसरे का वीडियो डाल दोगे तो शॉर्ट फंड नहीं मिलेगा, कितने भी व्यूज आएंगे, जी हां ऐसी कोई बात नहीं है, ये गलत बात है बिल्कुल। किसी का भी वीडियो हो अगर वो स्ट्राइक आपको नहीं दिया है, खतरा तो रहेगा भैया, मैं बता दे रहा हूं खतरा रहेगा स्ट्राइक का, अगर स्ट्राइक वगैरह नहीं आया आपका वीडियो वायरल चला गया तो शॉर्ट फंड 100% मिलता है। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजय स्वामी न्यूज ने, इन्होंने पूछा है सर जो आपने और चैनल के बारे में बताया था वो सर मैंने आपकी राय लेकर चैनल खोला है बट मेरे को यहाँ पता नहीं चल रहा है कि उसमें जो टाइटल लगाते हैं टाइटल टैग लगाते हैं वो कैसे लगाने चाहिए और साथ ही सेटिंग में जो किड्स रखना चाहिए प्लीज सर मार्गदर्शन करें, प्लीज रिप्लाई करें। तो भैया आपको उस चैनल पर टाइटल टैग आपको जैसे आप देख लीजिए उस चैनल पर जो भी मैंने आपको बताया था ऑ एनिमल वाला
उसका आप टाइटल टैग देखिए, उसी तरीके से आप टाइटल टैग डालिए जिस हिसाब से उसमें डाला गया है। और साथ ही साथ आपको जो किड्स वाला सेक्शन है वहां इस यस इट इज मेड फॉर किड्स वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है अपने वीडियो में, क्योंकि वो किड्स वालों के लिए ही है। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अजब गजब फैक्ट ने। इन्होंने पूछा है, सर मेरा एक जरूरी क्वेश्चन है, प्लीज बताइएगा जरूर। सर जैसा कि सभी बता रहे हैं कि 100-200 व्यूज पर भी शॉर्ट्स वालों को $100 से कम शॉर्ट फंड मिलेगा, अब मिलेगा, तो ये अपडेट कब से हमारे लिए इंडिया में लॉन्च होगा, वो डेट बताएं। तो भैया मैं आपको बता दूं, जो आपने सुना है कि $100 से कम शॉर्ट फंड मिलेगा 100-200 व्यूज पर भी, तो जी हां ये बिल्कुल सही बात है, सही न्यूज है। और बात है कि आप पूछ रहे हैं डेट किस डेट को मिलेगा, तो ये डेट फिक्स नहीं है अभी। ये YouTube ने दुनिया के बहुत सारे देश में, जहां भी YouTube चलता है, वहां के 2 से 3 कंट्री में लॉन्च किया है, और वहां अपडेट लॉन्च करने के बाद उसे कैसा रिजल्ट मिलता है, अब अगर रिजल्ट उसे अच्छा मिला तो ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 महीने के अंदर ये इंडिया में भी आ जाएगा, और रिजल्ट 100% उसे मिलना है, तो बेफिक्र रहिए 1 से 2 महीने के अंदर ये इंडिया में भी आ जाएगा और सभी को शॉर्ट फंड मिलेगा, चाहे आपको $10, $20, $40, मतलब $100 से कम कोई भी मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आल फैक्ट हिंदी ने। इन्होंने पूछा है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन सर। सर अगर मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो क्या सिल्वर प्ले बटन मिलेगा, प्लीज आंसर। तो जी हाँ मिलेगा आपको। सिल्वर प्ले बटन के लिए कोई भी मोनेटाइजेशन जरूरी नहीं है शॉर्ट्स वीडियो में, शॉर्ट्स चैनल में, कोई भी मोनेटाइज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको शॉर्ट मतलब प्ले बटन मिलता है। मैंने खुद लिया है, मैंने खुद 2-2 चैनल पर लिया है, मोनेटाइजेशन नहीं था, 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद मैंने लिया है, तो बेफिक्र रहिए मिलता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फैक्ट अभी 78-17 ने। इन्होंने पूछा है सर पिक्सल्स पर कोई वीडियोस मिलती भी नहीं है, तो क्या करें, जैसे किसी कंट्री के पीएम या प्रेसिडेंट की सर्च करें तो। भैया नहीं मिलती है वो सारी फोटोज आपको, कि किसी कंट्री के पीएम प्रेसिडेंट की फोटो आपको पिक्सल्स से मिलेगी, वो फोटोज आप डायरेक्ट गूगल से लेकर भी ऐड कर सकते हैं अपने वीडियोज में, आपको यहां पर जो कॉपीराइट फ्री वीडियोज होते हैं वही सारे मिलते हैं। तो आई होप आपको जवाब मिल चुका होगा। और आप जो पीएम और इन सब का यूज करेंगे फोटो गूगल से लेकर, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है, बिंदास यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनित भारतीय ने। इन्होंने पूछा है सर ये बताइए कि अभी यूट्यूब पर किस चैनल, कौन सा चैनल ट्रेंड चल रहा है। सर ब्लॉग का अभी ट्रेंड है सर, प्लीज बताना, ये भी बताना कि किस चीज का चल रहा है टेक छोड़ के, प्लीज 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 सर प्लिक माई क्वेश्चन। तो भाई मैं आपको बता दूं, YouTube पर हाँ होता है कि कभी किसी चैनल का ट्रेंड चलता है, जैसे इसके पहले फूड के चैनल का ट्रेंड बहुत तेजी से चल रहा था, अब भी चल रहा है, लेकिन अभी 1 महीने पहले बहुत ही तेजी से चल रहा था, बहुत सारे चैनल्स 20 दिन 25 दिन के अंदर ग्रो हो गए। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ट्रेंड नाम का ज्यादा चीजें कुछ होती नहीं है, कोई कोई थोड़ा बहुत होता है, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है, चाहे आपका ब्लॉग हो, चाहे टेक हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, आपको ग्रो करना है, तो सबसे मूल मंत्र है कि आप कुछ अलग बनाइए, कुछ हटकर बनाइए जो YouTube पर कोई नहीं दे रहा है, तो आपका चैनल खुद ब खुद ग्रो होगा। तो बस आपको कुछ अलग कंटेंट बनाने की जरूरत है, कोई भी आपका कैटेगरी हो उसी दिन से आप ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि जब वो ट्रेंड आएगा तभी आपका ग्रो होगा, तो 100% ग्रो होता है, बिंदास होकर काम करिए, एक अलग तरीके से काम करिए। तो यही सारे क्वेश्चन थे जिसका मैंने जवाब दे दिया है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन थे, सबसे हटकर थे जो मैंने पिक किए हैं। तो आपको ये संडे की उन्हें कमेंट सेशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, जिस पर ज्यादा आपके कमेंट होंगे उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन होता है। साथ ही अभी तक इस चैनल से आप लोग नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो लाल बटन सब्सक्राइब वाला दिख रहा है उसको दबाकर, बगल में जो घंटी दिख रहा है उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं उसका सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। साथ ही अपने भाई को अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।